तेज भागो नन्ही किटी, वरना हमारी बस छूट जाएगी। ओह नहीं, ये क्या हुआ, बस छूट गई। ओह नहीं। चलो कोई बात नहीं नन्ही किटी, हम कभी और पिकनिक पर चले जाएंगे। लेकिन काश अभी भी कोई तरीका होता कि टाइम पर पहुंच जाते। शायद एक शॉर्टकट, शायद कोई सुरंग, या शायद एक वर्म होल। एक वर्म होल? हाँ नन्ही किटी, एक वर्म होल। हे दोस्तों, मुझे यकीन है आपने वर्म होल के बारे में पहले सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये होता क्या है? अगर नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे ब्रह्मांड के एक रहस्यमय गलियारे के सफर पर, जिसे कहते हैं वर्म होल, और जानेंगे इसके गहरे राज। ज़ूम इन। तो क्या होता है वर्म होल? वर्म होल को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ब्लैक होल क्या होता है, क्योंकि वर्म होल असल में दो ब्लैक होल्स होते हैं जो स्पेस में दो जगहों के बीच एक सुरंग की तरह जुड़ा हुआ होता है। वर्म होल से होते हुए आप स्पेस में कहीं से कहीं तक की दूरी तय कर सकते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज। अब चाहे वर्म होल के दोनों छोर एक दूसरे से कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, हाँ मेरे दोस्तों, आप फौरन ही किसी ट्रिप पर जा सकते हैं एक प्लैनेट से किसी और गैलेक्सी के दूसरे प्लैनेट पर। जरा सोचिए, अगर वर्म होल का एक छोर आपके घर पर होता और दूसरा छोर स्कूल पर, तो आप बस अपने घर पर वर्म होल में कदम रखते और क्लास में पहुंच जाते लेट होने की चिंता किए बगैर। लेकिन अगर बेड से उठने में आलस आए तो दिक्कत है। तो एक वर्म होल बहुत कमाल की चीज हो सकती है, पर दिक्कत ये है कि जहां तक हम जानते हैं हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई वर्म होल नहीं है, और हम इन्हें बस ऑन पेपर थियरी में ही ढूंढ सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमें इनके होने का कोई सबूत आज तक नहीं मिला है, और ना ही हमें इस बात का अंदाजा है कि ये बनते कैसे हैं। वैसे वर्म होल्स का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के फिलहाल की थियरीज पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये थियरी में होते हैं। आप जनरल रिलेटिविटी की थियरी के बारे में तो जानते होंगे, जिसे पब्लिश किया था फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो भी साल 1916 में, जो एक्सप्लेन करता है ग्रेविटी, जिसकी वजह से हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है। ये थियरी मैथ्स के हिसाब से डिस्क्राइब करती है वर्म होल्स को भी। तो वर्म होल्स को कैसे समझा जाए थियरी के हिसाब से? सबसे पहले हमें जानना होगा जो है स्पेस टाइम। हमें अक्सर लगता है कि स्पेस टाइम एक फ्लैट स्ट्रेची फैब्रिक शीट है। हर एक चीज जो ब्रह्मांड में दिखती है वो इस काल्पनिक स्पेस टाइम फैब्रिक शीट पर एग्जिस्ट करती है। जब हम इस फैब्रिक शीट के बारे में सोचते हैं तो हम सभी के जहन में आती है एक टू डायमेंशनल सरफेस। इस शीट पर घूमने वाला प्लैनेट दो तरीकों से मूव कर सकता है, या तो आगे और पीछे, या दाएं और बाएं। लेकिन असल में स्पेस थ्री डायमेंशनल है, जिसका मतलब हुआ कि प्लैनेट्स ऊपर या नीचे भी जा सकते हैं, और साथ ही एक चौथा डायमेंशन भी होता है, और वो है टाइम। और सभी डायमेंशंस को साथ जोड़कर हमें जो मिलता है वो है स्पेस टाइम। अब वर्म होल्स पर वापस आते हैं। सोचिए कि आपको इस काल्पनिक स्पेस टाइम फैब्रिक शीट पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। मान लो अर्थ से किसी दूसरे प्लैनेट पर। सबसे तेज रॉकेट के साथ भी इस सफर को पूरा होने में हजारों लाइट ईयर्स लग सकते हैं। तो ये थियरी कहती है कि क्यों ना इस फैब्रिक को फोल्ड कर दें, जिससे कि अर्थ और वो दूसरा प्लैनेट लाइन में आ जाएं और स्पेस टाइम की इन दो परतों को एक होल से जोड़ दिया जाए, तो दूसरे प्लैनेट तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट सुरंग बन जाएगी और हमें लंबा रास्ता भी नहीं लेना पड़ेगा।
वैसे तो वर्म होल बस एक थियरी ही है। काश कि ऐसा होता, ये हमारे बीच असलियत में भी होती, ताकि हम अपने विशाल ब्रह्मांड के अजूबों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि वर्म होल को आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि 1935 में आइंस्टीन और फिजिसिस्ट नेथन रोजन ने थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के इस्तेमाल से ये बताया कि स्पेस टाइम के बीच ब्रिजेस हो सकते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स जूमिंग आउट। ये क्या किया किटी?